मेरे वलियां नू ना किसी चीज का गम है ना खौफ है ना किसी चीज का डर है। अल्लाह ने कुरान मजीद अंदर इरशाद फरमाया कि औलिया नू ना किसी चीज का डर है ना गम है ना ही किसी चीज का खौफ है। अज मैं सिर्फ औलिया की गल करनी है, कौन औलिया, कौन अल्लाह दे कामल वली। ऐ सफर मुसफर का महीना जा रहा है, ये इंशाअल्लाह वलिया का जिक्र होगा कि कौन अल्लाह के कामल वली। शुहदा का जिक्र, अहले बैत का जिक्र तुसा काफी सुने, लेकिन हुण सिर्फ तुहानू अल्लाह के वलिया का जिक्र सुनावांगे। फिर रबीउल अव्वल आवेगा, मैलाद का महीना। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया कि मेरे औलिया नू मेरे वलिया नू ना किसी चीज का गम है ना खौफ है ना कोई डर है। वो कौन औलिया ते कौन अल्लाह दे वली ने। अल्लाह ने इन दिया निशानियां भी अल्लाह ने कुरान विच नाजल फरमाईया। रब ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदं वक़ियामा। फरमाया वो लोग जिन्हां दियां रातां कदे सजदे ते कदे कयाम विच गुजर दियां ने। फरमाया ए मेरे कामल वली ने जिन्हां दियां रातां सजदे विच कयाम विच गुजर दियां ने। अलैटा मियान कर दिया जी, कयाम और सजदे विच रातां गुजर दियां ने। ओही कामल वली जिन्हां दी रात सजदे विच भी गुजरदी कयाम विच भी गुजरदी। लोग जदों इन्हां नूं वेखदे ने या सजदा करदे हुंदे ने ते या खड़े हो के अल्लाह दी इबादत करदे हुंदे ने। अज असी वली उन्हां नूं मन्ने आ कि जिन्हां कदे वुज़ू तक ना कीता होवे। असी वली उन्हां नूं तस्लीम करने आ कि जिन्हां कदे अपने आप नूं गुस्ल भी ना दिता होवे। और असी अपने वली दी करामत जाहिर करने आ कि साडे ओ पीर ने ओ वली ने कि जिहड़े 6 महीने नाते भी नहीं गुसल भी नहीं कीता। ऐसा सच्चा पीर कि जिहड़ा नाता भी नहीं। हुजूर ने फरमाया कि सफाई निसफ ईमान ने, ते पीर साहब कदे नाते भी नहीं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया इन्हां नूं वली ना समझो, वली ओ हुंदा जिन्हां दी रात सारी जाग के मेरे जिक्र विच गुजरदी है, जिन्हां दी रात मेरे जिक्र विच गुजरदी, जिन्हां दी रात कदे सजदे विच आउंदी है ते कदे कयाम विच आउंदी जी। फरमाया ए मेरे कामल वली ने। ताइयों ते गौसुल वरा हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी आप फरमांदे ने कि वली ओ ना मनिया करो जिहड़ा परवाज करदा है, उन्हें भी ना मनिया करो कि जिहड़ा पानी दे उत्ते तैरदा वे। हुजूरिया गौसे आजम फरमांदे ने अगर परवाज करन वाला वली होंदा ते सारे परिंदे ही वली होंदे, अगर पानी उत्ते तैरन वाला भी वली होंदा ते सारियां दरिया दियां मछलियां वली होंदियां। फरमाया इन्हां नूं वली ना समझो, अगर वली समझ ना जे तो उस बंदे नूं समझो जिहदी रात अल्लाह दे नाल लौ लग के रहिंदी जे, अल्लाह दे नाल गल्लां करदिआं गुजरदी है, जिन्हां दी रात सजदे कयाम विच गुजरदी है। ओह कौन अल्लाह दे कामल वली ने। किताबां दे विच आउंदा कि हुज़ूरिया गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आप वो अल्लाह दे कामल वली ने। वलियां दे इमाम हजरत गौसे आजम आप इशा दा वुजू करदे सन ते उस वुजू नाल फजर दी नमाज पढ़दे सन। इशा दा वुजू करके फजर दी नमाज पढ़नी एक दिन दो या तीन दिन दा नहीं, 40 साल आप दी जिंदगी दे इसे तरह गुजरे कि इशा दा वुजू करना ते फजर दी नमाज उस वुजू नाल पढ़नी, सारी रात अल्लाह दी इबादत करनी, जा के रब नूं राजी करना। इन्हों कामल वली आखदे ने। ताइयों ते साडे फिका दे इमाम जिन्हां दा नाम हजरत इमाम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हो हनफी इमाम अबू हनीफा आप दे बारे में किताबां विच हुंदा कि 40 साल आपने भी इवें ही गुजारे ने, इशा दा वुजू करदे सन ते फजर दी नमाज उस वुजू नाल पढ़दे सन। ते जदों आउंदा सी ना रमजान उल मुबारक, रमजान के अंदर आप पूरे महीने के अंदर 61 कुरान मजीद पढ़ते सन, यानी 61 कुरान मजीद पूरे रमजान के महीने में इमाम अबू हनीफा पढ़ते सन। एक कुरान रात को पढ़ना, एक कुरान मजीद की तलावत सुबह करनी, यानी दिन में एक कुरान मजीद पढ़ना एक रात भी पढ़ना। 30 दिन होंदे सन रमजान के, 30
यानी सुबह एक कुरान मजीद एक रात नो त्री सुबह ते त्री रात त्री ते त्री सठ हो गए ते एक आप नमाज तरावी विच कुरान पढ़ के लोगों नो सुनांदे सन ते नाले रमजान तो बाद दसदे सन अगर किसी रमजान गुजारना होवे अबू हनीफा वांगू गुजारिया करो ओ इंज रमजान गुजारिया करो ऐसे अल्लाह दे कामल वली एक अल्लाह दे कामल वली सारी रात इन्हां दी गुजर दी सी जाग के अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदं व क़ियामं ओ लोग जिन्हां दीआं रातां जाग के गुजर दीआं कदे सजदे विच कदे क़ियाम विच अल्लाह दे नबी हज़रत इब्राहिम अल्लाह दे वली हज़रत इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह तआला अलैह इब्राहिम बिन आदम ने के बलख शहर दे हुक्मरान ते शहनशाह ते बादशाह इब्राहिम बिन आदम ना किसी इब्राहिम बिन आदम ए बलख शहर दे बादशाह सन आप एक दिन ना अपने महल विच आराम कर रहे थे अचानक अति रातो रात ढली ना ते छत उत्ते किसे दे चलन दी आवाज आई हजरत इब्राहिम बिन आदम आप बिस्तर अपने आराम तो आप दी अख खुली ना ते आवाज दे के फरमान लगे ए कौन है जेड़ा शहनशाह दे महल ते अद्धी रात नु चल रहा सफर कर रहा ते छत तो आवाज आई इब्राहिम बिन आदम ए बलख दे बादशाह असी छत उत्ते कोई एवें नहीं चल रहा असी इस वास्ते छत ते चल रहे हां कि साडे ऊंट गुम हो गए ना असी अपने ऊंट तलाश कर रहे हां शहनशाह बलख फरमान लगे कि कदे छत्ता उते ऊंट भी मिले ने और कदे छत्ता ते भी ऊंट मिले ने इन्नी आवाज सुनी ना ते बोल के फरमान लगे जे छत्ता उते ऊंट नहीं ना मिल सकदे ते आ नरम नाजक बिस्तरियां ते रब भी नहीं मिल सकदा ए नरम बिस्तरियां ते अल्लाह भी नहीं मिल सकदा इब्राहिम बिन आदम फरमांदे ने ए गुफ्तगू ए गल मेरे कन्ना विच आई ते सारी रात मेरी जाग के गुजर गई सारी रात जागदियां गुजरी फरमाने सुबह उठिया तो मैं अपने महल विच तख्त ते बैठा इर्द गिर्द लोगों का हुजूम मेरे सामने खड़े अचानक एक बुढ़ा जिहा बाबा आया तो टुरिया टुरिया आके ना महल दी एक नुक्कर ते खड़िया होके ते बोल के कहन लगा इस सराय की चीज है कि जिथे ना किसी का दिल लगता है ना कोई इत्थे पक्के टिकाने वाला वे एक ही महल है ते बलख दे बादशाह शहनशाह हजरत इब्राहिम बिन आदम बोल के फरमान लगे बाबा तेनू नजर नहीं आता कि बलख दे बादशाह दे महल विच खड़े होके कहना ये चीज महल नहीं ये सराय वे यानी आन जान वाली चीज है इन्नी गल कीती ते बाबा कहन लगा ए इब्राहिम बिन आदम जरा ए ते दस आ जिहड़े महल विच बैठा में इस महल विच तेरे तो पहला इस महल विच कौन सी इब्राहिम बिन आदम कहन लगे मेरा बाप सी उस तो पहला कौन मेरा दादा उस तो पहला कौन मेरा पड़दादा ते बाबा बोल के कहन लगा तेरे तो बाद इस महल विच कौन होवेगा इब्राहिम बिन आदम कहन लगे मेरे तो बाद मेरी औलाद होवेगी फरमाया इनू इस सराय कहंदे ने ओ जिथे पक्का डेरा किसे दा ना होवे ओनू सराय कहंदे ने इब्राहिम इस महल ते पक्का डेरा ना लगा चल अपने रब नाल लो लगा लै इत्थे भी तेरा ना बाकी रहेगा उत्थे भी ना बाकी रहेगा इत्थे भी ना जिंदा रहेगा उत्थे भी जिंदा रहेगा इब्राहिम बिन आदम कहंदे ने रात वाला ख्वाब अजे मैनू याद है ते आ सुबह दी गल बाबे दी होर ज़हन विच आ गई हजरत इब्राहिम बिन आदम ने फिर अपना सारा कुछ छड़िया सारी रात फिर जा के गुजर दी सी ओ इब्राहिम बिन आदम जेड़ा बलख दा बादशाह सी जिन्हें सारी रात सौं के गुजारनी अपने महल विच अपने नरमो नाजक बिस्तर ते पर जदों अल्लाह ना लौ ला गई तो वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदं व क़ियामं इस जुमरे विच फिर इब्राहिम बिन आदम भी आए फिर ओ इब्राहिम बिन आदम रुफा कह कहंदे ने जदों असी इब्राहिम नू वेखदे सां ना या इब्राहिम दी रात कयाम विच गुजरदी सी या सजदे दे सर रखना गुजरदी सी हजरत इब्राहिम बिन आदम ओ इब्राहिम अगर मैं इस पेंडे पावा इब्राहिम बिन आदम कौन है ते वक्त दरकार है मैं अगे जाके थोड़ा जिहा आपका जिक्र सुनाना अल्लाह दी कामल वलिया जिन्हां दा नाम सी हजरत राबिया बसरी राबिया बसरी जिन्हां नू ढाई कलंदर किया जांदा वे
ਰਾਬਿਆ ਬਸਰੀ ਇਹ ਉਹ ਰਾਬਿਆ ਬਸਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸਨ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਰਾਬਿਆ ਬਸਰੀ ਨੇ ਨਾ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰੋ ਅਜ਼ਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸਰ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਆਪਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਗਰਬ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਗਰਬ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੱਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਬਿਆ ਬਸਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤਹੱਜਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਤਸਬੀਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਫਜਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਸਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਰਾਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਦਿਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਢਲੀ ਅਚਾਨਕ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਅੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਰਾਬਿਆ ਬਸਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤਸਵੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਊਂਗ ਆਈ ਊਂਗ ਕਿਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇਣ ਬੈਠਿਆ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਊਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਊਂਗ ਆਈ ਹਜ਼ਰਤ ਰਾਬਿਆ ਬਸਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਬਿਆ ਬਸਰੀ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਸੋਇਆ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਸੋਇਆ ਕਰ ਇੰਜ ਰਾਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਸਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੁਸਲਸਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਊਂਗ ਆਵੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਸੋਇਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਲੋ ਲਗਾਈ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਛਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਾਬਿਆ ਬਸਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਬਿਨ ਅਦਮ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਬਿਨ ਅਦਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਐਸਾ ਆਇਆ ਹੱਜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਬਿਨ ਅਦਮ ਹੱਜ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆਪ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਬਲਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸਜਦਾ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਇਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਬਲਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੱਕੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਬਿਨ ਅਦਮ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਇੱਧਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਬਿਨ ਅਦਮ ਟੁਰੇ ਟੁਰੇ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਬਿਨ ਅਦਮ ਜਦੋਂ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਉਠਾਈ ਨਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਵੇਖਿਆ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਬਿਨ ਅਦਮ ਆਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਬਿਨ ਅਦਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਰਹਿਮਤੁਲ੍ਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਆਪਨੇ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਉਠਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਫਿਰ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਬਿਨ ਅਦਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅੱਲਾ 14 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੇ ਸਜਦੇ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਵਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕਾਬਾ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸਜਦੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਵਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਾਬਾ ਕਿਧਰ ਗਿਆ ਵੇ ਇੰਨੀ ਇਲਤਜਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਬਿਨ ਅਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਵੇਖਿਆ ਕਾਬਾ ਨਜ਼ਰੀ ਪਿਆ ਆਂਦਾ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਬਿਨ ਅਦਮ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਫਰਮਾਇਆ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਾਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਵੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਕਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵੇ ਕਾਬਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨ ਗਿਆ ਵੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨ ਗਿਆ ਵੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ
केड़ी पाकीज़ा औरत है। हजरत इब्राहिम बिन आदम फरमांदे ने मैं मुड़ के अपनी कमर वालों वेखिया, मैं अपने पिछों वेखिया, एक बुढ़ी जी माई हाथ नाल अपने सोटी हाथ विच पकड़ी है। इब्राहिम बिन आदम कहंदे ने मैं बुढ़ी माई नूं वेखिया, कमर उड़ा के टुरदी आ रही, हाथ विच सोटी पकड़ी दे। हजरत इब्राहिम बिन आदम फरमांदे ने इधर माई खरामा खरामा टुरदी मेरे करीब आई, जेड़े वेले मेरे सामने आई आ फरमांदे ने मैं माई वालों वेखिया, ओ कोई माई आम माई नहीं, ओदा नाम हजरत राबिया बसरी ने। हजरत राबिया बसरी टुरदियां आ रही, हजरत इब्राहिम बिन आदम ने राबिया बसरी वालों वेखिया, कह लगे ए की पई करनी ने, मैं 14 साल तो बाद काबे विच आया वा, हर कदम ते सजदा करदा आया वा, अज काबा तेरा इस्तकबाल करन अपनी जगह तो टुर गया वे, जरा दस ते सही शान कित्थों लई दा। हजरत राबिया बसरी बोल के फरमान लगिया, इब्राहिम तू सजदे करदा आया वे, मैं अल्लाह दी बारगाह विच आजजी लैके आई गा, मैं अपनी आजजी इनकसारी लैके आई आ, अगर काबे मेरा इस्तकबाल कीता वे ए इस वास्ते कीता वे, मैं सारी रात रो के अल्लाह दी बारगाह विच गुजार दी साईं, मैं सारी रात जाके इबादतां कर दी साईं, अज मैं काबे दी ज़ियारत करने आई ना, मैं ज़ियारत करन नहीं आई, काबा मेरा इस्तकबाल करन आया, ए मैं ज़ियारत नहीं करन आई, काबा मेरा इस्तकबाल करन आया वे। पता लग्या जेड़ा इंज दा इश्क लै के आवे ना, फिर काबा ओदा इस्तकबाल करदा है। ताई ते हजरत मुल्ला जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अब्दुर रहमान मुल्ला जामी आप दा तुसा वाकया सुनिया होना कि जदों आप मदीने आउण लगे सन ना, ते 3 दिन एक सूतर सवार आउंदा सी, मैं दा वाकया नहीं बयान करना, मैं शार्ट दे रहा, एक सूतर सवार आउंदा सी ते आके अब्दुर रहमान मुल्ला जामी नूं कहंदा सी, जामी तू मदीने नहीं आ सकदा। मौलाना जामी चीख मार के रो के कहंदे सन, सारे जग वाले मदीने आ रहे हैं, मैं मदीने क्यों नहीं आ सकदा। आवाज आई, जामी सारा जग मदीने आ सकदा, पर नबी ने फरमाया जामी तू नहीं मदीने आ सकदा। जदों तीसरा दिन आया ना, तो मौलाना जामी ने कदम फड़ लिया, तो रो के फरमान लगे, तेरा दसो तो सही, जग वाले सारे मदीने आ रहे हैं, तो मैं मदीने क्यों नहीं आ सकदा। तो शूतर सवार कह लगा, जामी परेशान ना हो, अज 3 दिन हो गए ने, तेरी वजह तो मैनू नबी ख्वाब दे विच ज़ियारत करा रहे हैं, मैनू कमली वाले ख्वाब विच ज़ियारत करा रहे हैं। ते मेरे नबी ने फरमाया, जाओ जामी नू उत्थे ही रोक दियो, अगर जामी मेरे मदीने आ गया, मैनू कबर विचों उठ के जामी नू सीने लाना पवेगा, मैनू कबर विचों उठ के जामी नू सीने लाने पवेगा। ऐसा प्यार मौलाना जामी दा मेरे नबी नाल, ते ऐसा प्यार राबिया बसरी दा मेरे रब नाल, कि इंज दा प्यार कर दियां सन, खाना काबा इस्तकबाल वास्ते गया। मुसलमानों, अगर मैं इसे तरह बलियां दीयां गल्लां शुरू कर दियां ते वक्त दरकार है, मैं सिर्फ एक दो बलियां दी जिक्र करना, एक दो बलियां दा बस जिक्र करके उस तो बाद इजाजत है। एक सैयदजादे होए जिन्हां दा नाम सी हजरत शाह आजम, सैयद आजम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, कुतुबुल अखताब, अल्लाह दे बड़े वड्डे कामल वली, बजवाड़ा शरीफ आस्ताना आलिया, आप दा बजवाड़ा शरीफ आस्थान पाके उत्थों दे कामल वली, जिन्हां दा नाम सी हजरत पीर सैयद आजम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। पीर सैयद आजम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने ना फकीराना लिबास पाया, वो जिहड़े कामल वली होंदे ने वह हमेशा सादा लिबास पहनदे ने, फकीराना लिबास पहन के ना, ते हाथ में तस्बीह फड़ के, ते अपने आस्थाने ते बैठ के अल्लाह का जिक्र कर रहे। अचानक एक संसियासी आया बंदा, सांसी बंदा जिन्हों कहा जाता है, सांसी आया, गैरे इस्लाम आया ना, ते आके बाबे वालों वेख के कहन लगा, इंज लगता जिवें बाबा बड़ा गरीब है, ते होवे ना, ते बाबे नूं कुछ दे के ना जाइए,
सांसी दे ज़हन च ख्याल आया थी, उन्हें एक बोटी दिती। बोटी देखना बाबे नू, ते बाबे नू कहन लगा बाबा इनू बोटी नू ना एक सीख ते चाड़ के ना ते इनू अग ते गर्म कर, जदों अग ते गर्म करेगा तामे दी तरह हो जाएगी, जदों तामे दी होवेगी थोड़ी देर तो बाद बोटी सोना बन जाएगी, सोना बनेगी। ते बाबा सोने नू वेच के अपनी जरूरत पूरी कर दे। ते सैयद आजम शाह फरमांदे ने कि मैं इन्नी गल ओदी सुनी ते मैं उन्हूं कहा जा बोटी आओ सामना दरवाजा, उस दरवाजे के करीब रख दे। सांसी ने बोटी दरवाजे के करीब रखी ते सांसी चला गया। एक साल तो बाद वापस आया ना ते वेख्या ते ओ बोटी उस दरवाजे के सामने पई, उस दरवाजे के सामने बोटी। सांसी कहंदा मैं आस्ताने ते दाखल होया ते बाबा अपनी हाजत वास्ते बाहर निकलिया। इधर खुली जगह ते आके ना बाबे ने अपनी हाजत पूरी की ते हाथ विच एक मिट्टी का टैला पकड़िया, रोड़ा पकड़िया। ते बाबा इधर टुरदा आ रहा। सांसी कहंदा मैं बाबे दे करीब आ रहा ते मैं आके अरज की बाबा अजे भी यूं फकीराना लिबास पाए, मैं तेनों बोटी दे गया, सोना नहीं बनाया, ये सोना बना लिया तो मैं लगता तू सोना वेचिया नहीं। बाबे ने इन्नी गल सांसी की सुनी, जरा हाथ में रोड़ा है ना बाबे ने जमीन ते फेंकिया। हजरत सैयद आजम शाह ने जमीन ते रोड़ा सुटिया, सारा जमीन वाला टुकड़ा सोना बन गया, सारे ही टुकड़ा सोना बन गया। फरमाया तू सानू की भुखा महसूस की तबे, असी ते ओ अल्लाह दे वलिया, अगर कोई प्यासा भुखा साडे बूहे ते आ जाए असी उन्हें अता करके बेचने आ, असी ते ओ अल्लाह दे कामल वली ना। सांसी ने इन्ना वेख्या ना ते आ फरमान लगे साडी अल्लाह नाल लो लग गई है, ते जिन्हां दी रब नाल लो लग जाए उन्हां दीआं रातां भी जाके गुजरदियां ने ते दिन उन्हां दा फकीरां दे लिबास विच गुजरदा वे। उन्हां दी रात इंज दी गुजरदी है ते दिन होर तरह दा गुजर दे। इधर हजरत शाह आजम रहमतुल्लाह ताला आ फरमांदे ला आ सारी जमीन सोना बन गया, लै जा जेड़ा सोना ले जाने। सांसी बोल के कहन लगा मैं सोना ते ये दौलत नहीं लै जानी, बस मैं अपने नबी दा कलमा पढ़ाओ ते ईमान दी दौलत दे दियो, मैनू ईमान दी दौलत दे दियो। ये ओ अल्लाह दे कामल वली, एक बड़े वड्डे अल्लाह दे कामल वली हो जिन्हां दा नाम सी हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह। किताबा में इन्हों का बड़ा वड्डा वाकया वे, बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी बुखारा शहर के रहने वाले, आप तबलीगी दौरे ते टुरदे टुरदे ना बाबल शहर अंदर आए ते बाबल शहर के अंदर आके तबलीग का दौरा किया, अपने मुरीदीन नाल मुलाकात की। इधर एक काफर की बच्ची बाजार विच दूध लैन वास्ते आई ना, तुहानू पता है बच्चा होवे ना छोटा ते हजूम वेखे ज्यादा लोगों का ते ओ जिहड़ी घरों चीज लैन आउंदा ओ चीज भुल जांदी जे। बच्ची नू अचानक ज़हन चो चीज निकल गई मैं ते घरों दुध लैन वास्ते आई हाँ। लोगों का झुरमट वेख्या ना ते एक बंदे दे करीब जाके बच्ची कहन लगी बाबा जी दसो कि लोगों का झुरमट क्यों, मैं इतने लोग क्यों इकट्ठे ने। ते आ फरमान लगे तेनू नहीं पता बेटा आ जिहड़े लोग इकट्ठे होए ने ना इन्हां दे दरमियान वे जिहड़ा बाबा बैठा उह साडा पीर बैठा वे, ये साडे पीर आए ने। कौन आए ने साडे पीर वाला बोले साडे मेरे नबी ने फरमाया जिदा कैनात वे पीर को नहीं रोजे माशर वाले दिन शैतान उहदा पीर होवेगा। ते पीर है ना क्या करो जिन्हें टल सोने पाए नो पीर सोना में, जिदे पिछे घोड़े चंगे ने पीर सोना, या कुत्तियां वाली सरकार होवे तो पीर सोना है। पीर हमेशा वह होंगे जिन्हों अल्लाह ने फरमाया वल्ला जीना या बी तू ना लिरबी हिम सुजदम वकिया मां, पीर सोना ते सुचा वह होंगे वे जिन्हों दिया रात अल्लाह की याद विच गुजर दिया ने, जिन्हों दिया रात अल्लाह नू मनांदिया गुजर दिया ने। बच्ची कहन लगी जी कौन बाबा है, फरमाया पुत्र ये साडे पीर आए ने, साडे पीर आए ने जिन्हों के घर पीर आते ने। पीर वाला बोले साडे अगर मैं ना पीरा आए ते निरे लफज दे गुफ्तगू करा फिर भी वक्त दरकार है, फरमाया बेटा साडे पीर आए ने। ते बच्ची बोल के कहन लगी जरा ये दसो पीर किनू आख्या जांदा वे, ते बाबा बोल के कहन लगा बेटा ये बड़ा लंबा जिहा सफर है, आ मैं तेनू पीरां कोलो पुछाना पीर की होंदा ते मुरीद की होंदा वे, आ मैं तेनू पीरां दी ज़ियारत कराना। बच्ची टुरी टुरी हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह दे करीब आई ना, ते आके कहन लगी बाबा जी तुसी बड़े सोहने पै लगदे हो, दसो तुसी कौन हो, एडी सोहनी सूरत एडी प्यारी सूरत बाबा दसो तुसी कौन हो। फरमाया बेटा मेरा नाम बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी जे
मैं बुखारा शहर दे रहन वाला वा, मैं इन्हां दा पीर हां ते ए सारे मेरे मुरीद ने। ते ओ बच्ची बोल के कहन लगी, काफरां दी बच्ची, बाबा दसो पीर किनू आख्या जांदा है ते मुरीद किनू आख्या जांदा है। बाबे ने निके दे लफ्ज़ विच जवाब दिता, फरमाया पुत्तर पीर ओ हुंदा है जदों मुरीद ते औखा बारा वक्त आवे ना, तू अपने पीर नू याद करे ते पीर ओदा आ जांदा वे, ओदा पीर आ जांदा है। ते बच्ची बोल के कहन लगी, बाबा जी अगर मेरे ते बारा वक्त आया फिर आ जाओगे? ते बाबा फरमान लगे, हाँ पुत्र आ जावांगा। बच्ची कह लगी, चलो बाबा मैनू अपना मुरीद बनाओ, जदों मेरे ते औखा बारा वक्त आ गया ना जिंदगी विच आ ही जांदा है, जे बारा वक्त आ गया मैं तुहानू आवाज देवांगी ते बाबा आ जावी। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी फरमान लगे, पुत्र मैनू आवाज देवी ते मैं तेरे कोल आ जावांगा। बड़े इख्तिसार नाल बच्ची घर गई ते पीरां दी दुआ नाल अल्लाह ने उन्हों ड्यूटी लगवा दी। बादशाह दे महल में ड्यूटी लग गई बच्ची दी। जदों बच्ची दी ड्यूटी लगी ना ते वक्त गुजरता गया गुजरता गया, बच्ची दी ऐसी अजमत शान वधी कि सारे बच्चियां दी हैड बन गई, यानी सारे बच्चियां दी सारे जिहड़े नौकर सन उन्हां दी सरदार बच्ची बन गई। जदों सारियां माइयां औरतां बंदियां ने देखा कि पिछों बच्ची आ गई सारियां दी सरदार बन गई, इह सारियां तों आला मकाम विच आ गई, हसद करना शुरू हो गया। आज भी कोई अजमत वाला एक बन जाए ना तो सारी बरादरी उदा हसद करती माण नहीं करती। वो चंद लोग ने जिहड़े सगे होन ते माण करन, पर हसद वाले ज्यादा होंदे ने। जग वाले सारे महल वाले हसद करना शुरू हो गए। इधर अचानक बच्ची ते उन्हें इल्जाम लगा दिता, बादशाह दे महल दे विचो हार हीरियां दा चोरी करके ना ते बच्ची ते इल्जाम ला दिता, सारे गवाहियां दे के बच्ची ते इल्जाम पक्का कर दिता। ते बच्ची आवाजां दे के कहन लगी, मैं अल्लाह दे कामल वली दी मुरीदनी ना, मैं नहीं हार चोरी कर सकती। सारे कहन लगे, इसी चोरी कीती जे। बादशाह कहन लगा, जाओ इस बच्ची नू महल दे उतले महल ते छत ते लै के जाओ ते बच्ची दे हाथ बन के अखां ते पट्टी बन के ना महल तो इनू छलंग लगाया जाए, यानी इनू धक्का दिता जाए, महल तो सुटिया जाए। जदों जमीन ते आवेगी बच्ची मर जाएगी, एदी सजा यही जे। इधर बच्ची जदों महल दी पहली सीढ़ी ते कदम रखे ना ते बच्ची नू बाबा याद आया, ओ बाबल वाला बाबा याद आया। ते तुसां हुण सुभान अल्लाह नहीं बोलनी कि तुहानू नजर ही ना लग जावे, भाई थोड़ा जा बोलो सुभान अल्लाह। मैं तुहानू किसे आम वली दी नहीं करामत सुना रहा, मैं तुहानू अल्लाह दे कामल वलियां दी करामत सुना रहा। जेड़े जेड़े अल्लाह दे कामल वलियां नाल प्यार करदे ने ओ बोलो सुभान अल्लाह। जिक्र सुना रहा हूं, जेड़ा जेड़ा जिक्र सुनना चाहता थोड़ा बोले सुभान अल्लाह। वली दे मुरीदनी ने जदों पहला कदम महल दी पहली सीढ़ी ते रखिया ना ते ओ बाबा बाबल वाला याद आया, बहाउद्दीन ज़करिया बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी याद आया। जदों याद आया ना बाबा ते कदम रख के ते रो के कहन लगी, बाबा हुण आ जा, तेरी मुरीदनी ते औखा वक्त आ गया भी, तेरी मुरीदनी ते भारा वक्त आ गई। मुसलमान इधर छोटी जी बच्ची महल दियां सीढ़ियां ते चढ़दी जा रही, जेरे वेले दूसरी सीढ़ी ते बच्ची ने कदम रखिया फिर बाबे नू याद कर दी है, रो के कहन लगी, वे बाबा हुण आ जा, बाबा हुण आ जा, तेरी मुरीदनी ते बारा वक्त आ गया वी। मुसलमान इधर बच्ची महल ते चढ़दी जा रही, नाले रो के कहंदी है, बाबा आ जा, बाबा हुण तेरी मुरीदनी ते बारा वक्त आया वी। इधर महल ते चढ़दी जा रही, जेरे वेले बच्ची महल दे छत ते आ गई, इधर लोगों ने बच्ची दे पीछे बाजू बन दिते, अखां ते पट्टी बन दिती, बच्ची नू किनारे ते ले आके धक्का दिता। जेड़े वाले बच्ची जमीन वाले आउण लगी, रो के कहण लगी, वे बाबा हुण ते आ जाए, वे बाबा तेरी मुरीदनी जा रही है। अचानक बच्ची दी चीख निकली, बच्ची बेहोश हो गई, नाले आवाजां देंदी दे,
नाले जमीन वाले आ रही है, बच्ची बेहोश आ गई, इधर जमीन दे करीब आई, बच्ची जमीन पे नहीं गिरी, अचानक किसी दे हाथा ने अपने हाथा से उठा ली, जड़े वाले बच्ची नु होश आया, अखा तो पट्टी हटाई, देखिया सामने बाबा बैठा वे, सामने ओ बाबा बैठा वे, बच्ची कह लगी वे बाबा एडी जल्दी बुखारे तो आ गया वे, वे बाबा इन्नी जल्दी किवें आया वे, बाबा बोल के फरमान लगे बच्ची तू मेरे नाल प्यार करनी है, अज लोगों नु दसना चाहना वा, ये ना कवे अज के पीर आ नहीं सकदे, अज मैं तेरी मदद करन वास्ते आया वा, बच्ची कह लगी वे बाबा एडी दूरों बुखारे तो आ गया वे, बाबा फरमान लगे बच्ची परेशान ना हो, जे तू चुबारे तो आ सकनी ने, फिर मनी बुखारे तो आ सकना, फरमाया जे तू चुबारे तो आ सकनी है, फिर मैं भी बुखारे तो आ सकना मां। ओए ऐसे अल्लाह दे कामल वली, अगर मैं सिर्फ एक एक वली दी गल सुनावा वक्त दरकार, जे तू चुबारे तो आ सकनी है ते मैं भी बुखारे तो आ सकना। ओ हुजूर या गौसे आजम दा तुहानू वाकया याद होना है कि इधर मुल्के शाम तो बंदे मिलन वास्ते जा रहे, काफला जा रहा, जंगल विच गया ना ते काफला लुटिया गया, बाबा जी जदों काफला डाकुआं ने लुटिया ना ते एक बंदा बोल के कह लगा है गौसे आजम असी बगदाद शरीफ आ रहे सां तुहाडी ज़ियारत करन वास्ते, ते रस्ते विच आ के काफला लुटिया गया, ते जे असी इस लुटे पुटे काफले नू वापस लै के जावांगे ना तो लोग कहणगे पीरां नू मिलन गए ते सारा कुछ लुटा के आ गए, बाबा फिर तुहाडी अजमत ते भी गल आवेगी, तुहाडी शान ते भी गल आवेगी। हुजूर या गौसे आजम बगदाद शरीफ बैठे ते ए जंगल विच काफला, ते आप बगदाद विच बैठ के ना ते अपनियां जुत्तियां वल्लों वेखिया, फरमाया जाओ ओ जिहड़े चोर डकैती डकैत करके लै के डकैती लै के जा रहे ना, जिहड़े ओ डकैत डकैतियां करके जा रहे, जाओ जरा उन्हां कोलों माल वापस लै के जाओ। गौसे आजम दियां जुत्तियां परवाज कीती, चोरां दे सिर विच वजदियां जा रहियां ते चोर वापस जंगल विच दौड़दे जा रहे, जदों जंगल वल आए ना ते सारा समान सामने रखिया ते बोल के कहन लगे सानूं माफी दे दिओ, नाले ए दसो तुहाडे विचों जुत्तियां किहदियां ने, ते काफले वाले बोल के कहन लगे जुत्तियां साडियां नहीं, असीं जी दी ज़ियारत करन जा रहे हां, ओहदे जोड़े आए ने, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਗਦਾਦ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਾਮਲ ਵਲੀ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਤਰਜਮਾ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। आरफे खड़ी बड़े अल्लाह दे कामल वली हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने एदा ही तर्जमा फरमाया, जे सुनना चाहते हो थोड़ा जा बोलो सुभान अल्लाह। आरफे खड़ी ने जदों गौसे आजम दी इस करामत वालों वेखिया, बस बोल के ही फरमांदे ने जिन्नों रब ए दिल दियां अखियां दे, फिर चाननी देवे नूरा बलिया नो हर शे नजरिया वे, ए क्या नेड़े क्या दूरा, बलिया नो हर शे नजरिया वे क्या नेड़े क्या दूरों, ये अल्लाह दे कामल वली ने। ऐसे अल्लाह दे कामल वली, अगर मैं होर किसी वली दी करामत बयान करा तो वक्त दरकार है, वलियां नू बस हर शे नजरी आवे क्या नेड़े क्या दूरों, यो अल्लाह दे कामल वली ने। अज लोग कहंदे ने वली कर की सकदे ने, जे वली कुछ नहीं कर सकदे फिर दाता पिया दी करामत पढ़ के वेख के वली कुछ कर सकदे या नहीं कर सकदे, ए दाता पिया दी करामत पढ़। इंशाल्लाह मैं अगले जुमातुल मुबारक ते होर वलियां दा जिक्र करांगा, क्योंकि ये जिहड़े जुमे ने शाने औलिया ते ने, अज भी जिहड़ा बे मुर्शिदा बैठा वे ना, जिहदा मुर्शिद कोई नहीं, जिहनू बे पीरा आखिया जांदा है, जिहदा पीर कोई नहीं, वह भी अज जाके किसी आला हस्ती दे बैत हो जाओ। हुजूर या गौसे आजम फरमांदे ने पीर वो होंदा
आ उड़न वाला पीर वेख के बैत ना करया कर या पानी उत्ते तरन वाले नु वेख के बैत ना करया कर। अगर उड़न वाला पीर होंदा ते सारे परिंदे ही पीर होंदे, अगर पानी ते तरन वाला पीर होंदा फिर दरिया दियां सारियां मछलियां पीर होंदियां। अगर ए पीर मनने नहीं ते फिर जादूगरां नु भी पीर मन, बल्कि मेरे पीर सियाल लजपाल फरमांदे ने पीर उन मनिया कर जिहड़ा फजर की जमात आप करांदा होवे, जिहड़ा फजर की जमात आप करांदा होवे ओ पीर उन ना मलिया करो कि जिदे कोल घोड़े चंगे हों ते पीर होंदा, कुत्ते चंगे हों ते पीर होंदा, जंगल चो चिले कटदा होवे ते पीर होंदा। नहीं, उन्नू पीर ना मनिया करो। ओ जिहड़ा नबी दी शरीयत दा वफादार नहीं हो सकदा ओ तेरा किवें वफादार हो सकदा वे, जिहड़ा नबी दी शरीयत नू बरकरार नहीं रखदा ओ तैनू किवें इज्जत वाला रखेगा। दाड़ी चेहरे ते ना होवे पीर बन गया, जिन्हें हुजूर दी शरीयत ते अमल नहीं करना ओ पीर नहीं होंदा। सच्चा पीर ओ ही होंदा जिहड़ा हुजूर दा सच्चा गुलाम होंदा वे, जिहड़ा कमली वाले दा सच्चा गुलाम, जिन्हें आप कदे नमाज नहीं पढ़ी उन्हें तेनू की तबलीग करनी एक नमाज पढ़िया कर, जिन्हें खुद कदे रोजे नहीं रखे ते जे नमाज दाखिए ते बोल के कहंदे जी अली साडियां नमाजा पढ़ गया वे, साडियां अली नमाजा पढ़ गया। ते जे अली नमाजा पढ़ गया फिर इमाम हुसैन नू सजदे वे सर रखण दी जरूरत कोई नहीं सी, फिर इमाम हुसैन ने आखिरी सजदा नहीं सी करना। और अज भी मेरी तुहाडे के इल्तिमास है, जिन्हें अजे तक अपना पीर नहीं मनिया, मैं वो भी बाबे वेखे ने जेडे सारे वलियां नू मनदे पर अपना पीर कोई नहीं। मेरे नबी ने फरमाया जिदा कैनात दे पीर कोई ना होवे रोजे माशर वाले दिन शैतान पीर बनेगा। और तुहानू वो भी वाकया याद होना, हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप दे पीर दा नाम सी हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप दे पीर दा नाम सी हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप अपने आस्थाने ते वुजू फरमा रहे, बाबा जी नजमुद्दीन कुबरा अपने आस्थाने ते वुजू फरमा रहे। हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी बड़े अल्लाह दे कामल वली ने। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप दा आखरी वक्त, ये फखरुद्दीन राजी ओ ने जिन्हें सारी जिंदगी इस्लाम ते मुनाजरे कीते ने, जिन्हें सारी जिंदगी लोगों नू तबलीगां कीतियां, दीन दियां खिदमतां कीतियां, ये ओ इमाम फखरुद्दीन राजी जिन्हां दियां अज भी किताबां मौजूद ने। अगर उन्हां दे हालात वेखो तो तुहाडे रोंगटे खड़े हो जाण कि कैसा दीन दा काम फखरुद्दीन राजी ने कीता वे। इमाम फखरुद्दीन राजी ते आखरी वक्त आया, जान शुकरात ते आई ते शैतान सरांदी आ गया। शैतान कहन लगा फखरुद्दीन राजी सारी जिंदगी दीन दे तबलीगां करदा रहे, सारी जिंदगी मुनाजरे करदा रहे, लोगों नू दीन सिखांदा रहे, हुण तेरा आखरी वक्त, जरा जांदी वार दस ते सही, जिहड़ा रब दे नां दे डंके वजांदा रहा उस रब नू कदे वेख्या भी? दसो तेरा रब कल्ला वे या कोई होर भी रब है? इमाम फखरुद्दीन राजी फरमान लगे मेरा वो रब है जिहड़ा वाहदा उला शरीक है, उहदा शरीक कोई नहीं। शैतान कहन लगा अगर उहदा शरीक कोई नहीं ते कोई उहदी दलील दे। फखरुद्दीन राजी बड़े दिल विच ना ज़हन च ख्याल आया कि मैं दलील की देवां, आपने उस वक्त सूरत इखलास पढ़ी ते फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। फरमाया मेरा ओ रब है जिदे बारे विच मेरे नबी ने सानू दसिया कि अल्लाह एक ही, उहदा शरीक कोई नहीं, उहदा शरीक कोई नहीं, वाहदा उला शरीक है। उन्हें वह भी दलील रद्द की थी, कहन लगा कोई होर दलील दे। इमाम फखरुद्दीन राजी दलीलां दित्ती जा रहा, 360 दलील फखरुद्दीन राजी ने दित्ती, फिर भी शैतान दलीलां रद्द कीती जा रहा। इधर हजरत नजमुद्दीन कुबरा आप दे पीरो मुर्शद वुजू फरमा रहे, वुजू फरमांदियां आप फरमांदियां फरमांदियां फरमाया फखरुद्दीन राजी अज तेरे ते 12 वक्त आ गया ते अज होवे ना ते मैं तेरा 12 वक्त ना दूर करा, अज मैं ना तेरी मदद करा। फखरुद्दीन राजी कहन लगे हुजूर हुक्म होवे। फरमाया फखरुद्दीन जिहड़ा शैतान लाइन तेरे सामने बैठ के कह रहा ना कि रब होने की कोई एक होने की दलील दे, इस शैतान नु कह दे तू अल्लाह दे एक होने की दलील मन्ना में मंगना चाहना में, मैं वो फखरुद्दीन राजी हाँ जिहड़ा रब नु बगैर दलील तो मनदा वा, मैं रब नु बगैर दलील तो एक मन्ना। पता लग्या जैसे औखा 12 वक्त आ जाए ना, ज
जो 12 वक्त आवे फिर वो अल्लाह का कामल वली आके उसकी खिदमत मदद करता है। अज भी आ कोई नौजवान पुराने बाबे को पूछे ना, बाबा जी मैं यार बनाना चाहना तो दसो मैं केड़ा यार बनावा। अज भी कोई जवान बाबे को पूछता है मैं केड़ा यार बनावा, कोई मैनू दसो मैं यार बनाना चाहना, तो बाबा कहंदा पुत्र वो यार बनावी जिहड़ा 12 वक्त काम आ जावे, जिहड़ा औखे वक्त काम आवे। अल्लाह फरमांदा ये तो दुनिया के यार ने ना, जब तक तू जिंदा रहेगा दुनिया के यार तेरे काम आंदे रहणगे, दुनिया का यार तेरे काम उन्ना तक आवेगा कि कबर दी लाह तक तेन उतार के वापस चला जाएगा, ये दुनिया का यार है। अल्लाह ने फरमाया यारी आ जा मेरे यारां नाल लाल, जिथे दुनिया के यार की यारी मुक जाएगी उतों मेरे यार की यारी शुरू हो जाएगी, उतों मेरे यार की यारी शुरू हो जाएगी। मुसलमानों अज जिहड़ा बेमुरीदा बैठा वे, यानी किसी पीर का मुरीद नहीं, वो आज अपने दिल में तैयार कर दे कि मैं किसी कामल वली का मुरीद होना है, चाहे वह आस्थाना आलिया सियाल शरीफ होवे, चाहे आस्थाना आलिया सैदा शरीफ होवे, चाहे वह आस्थाना आलिया गोलड़ा शरीफ होवे, लेकिन वली वो तलाश करिया जे जेड़ा वली नबी का वफादार होवे, जेड़ा वली हुजूर की शरीयत पे अमल करता होवे, उन्हों समझिया जे जिदा वली जिंदा होवेगा, यानी जिदा वली पिछे होवेगा। आखिरी गल इजाजत है, हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह आप किताब के अंदर लिख देने कि एक ना बकरी इज्जड़ दे विच चढ़दी जा रही, इज्जड़ वेख खड़ी ते अचानक भेड़िया आया बकरी दे पिछे लगया ना, ते बकरी दौड़दी जा रही ते भेड़िया बकरी दे पिछे पिछे जा रहा, सामने वेख्या ते एक दल दल आई। तुसीं कदे जिन्हां दरिया दे विच सैर कीती होवे या वेख्या होवे, तुसीं दरिया दे किनारे ते वेख्या कि रेत आउंदी है, बंदा उस रेत से खड़ा होकर थोड़ी जी हरकत करे तो बंदा रेत विच चला जांदा है, उन्हूं आखदे ने दल दल। की आखदे ने? दल दल। ऐसी दल दल आई के भेड़िया ते बकरी, बकरी ने छलांग लगाई ते दल दल दे अगली साइड ते डिगी गिरी ते अचानक दल दल दे विच फस गई भेड़िया, थोड़ा जिहा पिछे दल दल विच फस गया। इधर सारा दिन गुजरिया, जो सूरज गरूब हो रहा ना, ते बकरी हसना शुरू कर दिता, जो बकरी हसी ते भेड़िया बकरी वालों कह वेख के कहन लगा तू भी मौत दे मूँह विच, मैं भी मौत दे मूँह विच, तू हसनी है ते मैं रोना वा, जे अगर इतों बच गई तो बाहर मैं तेनों खा जावगा, तू फिर भी मौत के मूँह बेच, अगर दल दल तो बचेंगी मेरे तो नहीं बचेंगी, मेरे तो बच गई तो दल दल दे विच खुब मर जाएंगी, तो तू हसनी है मैं रोना वा। ते बकरी बोल के कहन लगी, जिहड़ी बकरी ने जवाब दिता ना सुनिया दे मत्थे दा झूंबर बने, बकरी जवाब दे के कहन लगी मैं इस वास्ते हसनी हाँ कि मैं इज्जड़ विच निकल के आई हाँ, तो मैनू पता है मेरा पिछे मालक मेरे पिछे वे, मेरा साई मेरे पिछे वे, उन्हें मैनू छुड़ा के चलिया जाना तो तू इत खुप के मर जाना, मैं तो इस तो हसनी हाँ कि मेरे पिछे मेरा साई जिंदा वे। ये दुआ किया करो शाला किसी का पिछे कोई साई हो, पिछे साई हो, जदों साई पिछे होवेगा फिर सत्ते खैरां होणगियां, जिदा साई जिंदा होवे उन्हों सत्ते खैरां, जिदा साई हयात होवे उन्हों इत्थे भी डर कोई नहीं, कबर च भी डर कोई नहीं, ते रोजे माशर वाले दिन भी उन्हें डर कोई नहीं। ताइयो ते हजरत कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आप दे कोल एक बंदा आके कहन लगा हुजूर तुहाडे इन्ने मुरीद ने ते तुसीं किवें इन्हां नूं जन्नत भी लैके जाओगे? आप फरमाते ने मेरे सैयद भी बड़े मुरीद ने, तो जो इन को पूछताछ होगी ना, जो इन को पूछ होगी तो मैं नबी दिया शहजादियां अगे कर देवगा, ये शहजादे जानन ते रब आप जाने, मैं इन्हों के थ्रू सारे जन्नत लैके जावगा। मुसलमानों ऐसा पीर, पीर ऐसा होवे जिहड़ा दिल दी मैल धोवे। आखिरी शेर जे तुहाडा दिल करे ते हजरत सुल्ताने बाऊ दी जबान तो तर्जमा सुनावा, थोड़ा जा बोलो सुभान अल्लाह। आरफां दे सुल्तान ने इरशाद फरमाया नाम रब अरशे ए मौला ते रब खाने काबे, ओ ना रब इलमे किताबी लबे ते ना रब विची मेहराबे, वो गंगा तीरते मो लेना मिले आ मारे पेंडे
हिसाब हो जदीदाम रिश्ते मिलिया बहु मेरे छुट गए कुल अजाब हो। ये जदों दा कामल मुर्शद मिलिया मेरे छुट गए कुल अजाबे हो। पीर सोना होवे ते फिर इंजदा होवे के कमली वाला होवे, फिर मुरीद अबू बकर सदीक वर्गा होवे, फिर शाना इत्थे भी लभदियां ने ते शाना उत्थे भी लभदियां ने। अल्लाह करीम दी पाक बारगाह दे अंदर इल्तिजाए, अल्लाह करीम अज दी हाजरी अपनी पाक बारगाह दे अंदर मंजूर मकबूल फरमाए। अल्लाह करीम सारयां दा आउणा हाजिर होना अल्लाह कदम ब कदम नेकियां दे ज़खीरे अता फरमाए। यार जिंदा सुबत बाकी वमा अलैना इल्लल बला।